अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। मुहर्रम कमेटी की, दरभंगा के मुहर्रम कमेटी की खास बैठक हुई क्योंकि मुहर्रम का चांद निकल चुका है और 11 तारीख से पहली मुहर्रम खेली जाएगी, उसको लेकर एक विशेष बैठक की गई। इस बैठक में मदरसा हमदिया के सेक्रेटरी डब्बू खान और दरभंगा मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी रुस्तम कुरैशी, साथ ही साथ खजानची पप्पू खान और सरदार जो अखाड़ों के सरदार के अध्यक्ष है पप्पू सरदार मौजूद थे। कोविड-19 के तहत इस बार भी मुहर्रम सादगी तरीके से मनाया जाएगा, किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, किसी तरह का जो झंडा जो कहते हैं कि झंडा मिलन होता है उस तरह का कार्यक्रम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सरकार के निर्देश के अनुसार जो अभी कोविड दूसरी जो लहर वो चली रही है, तीसरी लहर के भी आने की आशंका को देखते हुए इस बार यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ हम आपको उनके बाइट भी आपको सुना रहे हैं कि उन लोगों ने क्या कहा मुहर्रम कमेटी की बैठक रिपेयरिंग में भी। सुपर दरभंगा लालबाग पानी टैंकी भगत सिंह चौक के पास तमाम रिपेयरिंग की नई टेक्नोलॉजी के साथ, साथ ही साथ तमाम मोबाइल के ऑल एक्सेसरीज प्रीमियम क्वालिटी की स्प्रे एंड पार्ट के साथ दरभंगा लालबाग पानी टैंकी भगत सिंह चौक के पास। जी, आज के बैठक में क्या सब फैसला लिया गया? देखिए, जिला मुहर्रम कमेटी की आज अहम बैठक हुई थी क्योंकि ये कल मुहर्रम पहली तारीख है और जैसा कि मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से हमारा देश जो है कोरोना से जंग लड़ रहा है और अभी भी हम इससे उबर नहीं पाए हैं। सेकंड फेज आया था गालिबन अप्रैल में, इतनी बुरी स्थिति थी और डॉक्टरों ने थर्ड फेज की भी जो है आशंका जताई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया और कुछ रियायतें भी दी है, अभी छूट भी मिली है, लेकिन मंदिर और मस्जिद को बंद रखा गया है और कोई भी धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पे नहीं करने की मनाहट है, जिसकी वजह से हम लोग पिछली बार भी लॉकडाउन का पालन किए थे और सारे अपने जो मुहर्रम के प्रोग्राम थे उसको स्थगित किए थे। इस बार भी हमारी मीटिंग हुई है हमारे सेक्रेटरी साहब रुस्तम कुरैशी साहब के नेतृत्व में और पप्पू खान साहब खजांची कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में, तो हम लोगों ने सारे खारियों को जो है निर्देश दिया है कि चूंकि सरकार का लॉकडाउन का आदेश है और किसी भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक लगाई गई है, इसलिए भी आप लोग भी अपना अपना जो भी करते हैं जो भी प्रोग्राम है उसको समय जो है स्थगित करेंगे और हम लोग भी जो मुहर्रम कमेटी ज़िला मुहर्रम कमेटी का जो अपना प्रोग्राम होता था, जैसे नुमाइशी का प्रोग्राम है, पहली तारीख को मिट्टी लाने का प्रोग्राम होता था और शीरनी चढ़ाने की 8वीं मुहर्रम को और मिलान वगैरह सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्थगित किया। को देखते हुए कोरोना का थर्ड फेज हमारे दरभंगा में हमारे बिहार में ना आए, इसके लिए ज़िला मुहर्रम कमेटी सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए अपना सारा प्रोग्राम ज़िला मुहर्रम कमेटी के अंतर्गत जो प्रोग्राम है उसको स्थगित किया गया है, उसको कैंसिल किया जाता है और साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से मैं ज़िला के लोगों से और जितने भी अखाड़ियाँ हैं उस्तादों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ज़िला मुहर्रम कमेटी सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए फैसला लिए है आप लोग इस पर अमल करें और अमल करेंगे जिस तरह पिछले साल हम लोग शांति वातावरण में लॉकडाउन का पालन किए अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए, इस बार भी हम लोग उसी तरह लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए कोरोना कहर को देखते हुए हम लोग भी इस बार भी अपने सरकार का दिशा निर्देश का प्रशासन के दिशा निर्देश का बखूबी पालन करेंगे और हम लोग मुहर्रम नहीं मनाएंगे इस बार। 1-2 साल मुहर्रम न मनाने से कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। हम लोग अल्लाह ने चाहा अगली बार अगर कोरोना से हम लोग जीत जाते हैं तो अगली बार अच्छे से धूमधाम से हम लोग मुहर्रम भी मनाएंगे, ईद का नमाज भी पढ़ेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, मस्जिदें खुलेंगी, ईदगाह जाएंगे, हम सब काम करेंगे। सबसे पहले जो ये पूरी दुनिया में महामारी है हम उनसे लड़ लेंगे तो बच जाएंगे, जिंदा रहेंगे, बहुत कुछ करेंगे। जब मर जाएंगे कुछ कोई मुहर्रम काम ना आएगा, कोई कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इस 10 दिन में जो 10 दिन है मुहर्रम का, इस बार हम लोग इबादत करें, सिर्फ और सिर्फ इबादत करें और अल्लाह से
बार बार दुआ करें कि अल्लाह ये जो कोरोना का कहर पूरी दुनिया पे आया हुआ है, एक तरह से ये अजाब है, या अल्लाह इसको हम लोगों के बीच से, हम लोगों के पूरी दुनिया के लोगों को, सब भाई को महफूज रखे इससे, सिर्फ और सिर्फ दुआ कीजिए, इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला इस कोरोना कहर से हम हमारे समाज को, हमारे देश को इंशाल्लाह ताला महफूज रखेगा। सेक्रेटरी जिला मुहर्रम कमेटी दरभंगा, मुहर्रम कमेटी की आज बैठक हुई है जिला मुहर्रम कमेटी की। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दो वर्षों से हमारा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और अभी भी हम इस पर काबू नहीं पा सके हैं, जिस कारण सेकंड फेज की जो लहर आई थी उसमें बहुत बुरी स्थिति हुई थी हमारी, और थर्ड फेज आने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके तहत सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, बंद कर बहुत से कोरोना काल का जो अब लागू हुआ तो आगे साल भी जो तरीका है, मट्टी लाने का रस्म, फातिया करने का रस्म, मैंने सब कुछ अदा किया। इमारत पर ताजिया जहाँ जहाँ बैठता है तो आगे साल प्रशासन के द्वारा उसको रोका गया था, बहुत इमारत पर। जो इस दफे सेक्रेटरी साहब से मेरी गुजारिश है कि प्रशासन को ये इत्तला दे दे कि सिर्फ इमारत पर जो ताजिया रखते हैं, जो मन्नत करते हैं वो ताजिया रखते हैं, तो उनको रखा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जुलूस न जुलूस का जाते होता है न पब्लिक होता है, तो इसलिए वो आदेश थोड़ा सा ले लें। और जो तरीका है रस्म का, वो आदमी सब आदमी अपने अपने इमारत के पास लगा लगाने से कोई जुलूस नहीं है, सकल देता है न कोई कोरोना काल लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, इसलिए सब आदमी।